आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वैष्णव गौरी। जिस दौर में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से कोल खनन को कमर्शियल किए जाने की नीति पर काम चल रहा है, ठीक उसी वक्त आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य ने गांवों के रास्ते आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया है, जो बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों को उजाड़ कर ही आर्थिक संकट की बहाली नहीं की जा सकती। और दूसरे ऐसे भी रास्ते हैं जिस पर चलकर विकास की दिशा में लंबी छलांग लगाई जा सकती है। आखिर छत्तीसगढ़ ने ऐसा कौन सा रास्ता अख्तियार किया है जिसकी वजह से आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर में भी गांवों में बैठे किसानों के चेहरे पर खिलखिलाहट है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में जिस वक्त बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ आखिर कैसे लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है? छत्तीसगढ़ की आखिर वो कौन सी नीति है जो पीएम किसान योजना से ज्यादा फायदा राज्य के किसानों को दे रही है? सांस्कृतिक पैमानों पर देश में विपरीत होते हालातों के बावजूद आखिर कैसे एक सरकार हरेली, तीजा, पोला जैसे परंपरागत पर्वों का उत्सव मना रही है? आज इस बात पर विस्तार से बात होगी जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे भूपेश में दम हर मोर्चे पर नंबर वन में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तरह दम दिखाया और हर मोर्चे पर नंबर वन हुए, इस पर चर्चा शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ देश दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों की रिसर्च का एक बड़ा केंद्र बन जाए, जहाँ इस बात पर रिसर्च हो कि जब दुनिया विकास की रफ्तार में पिछड़ रही थी उस वक्त छत्तीसगढ़ विकास की लहरों के साथ गोते लगा रहा था, जब विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक रणनीतियां औंधी मुंह गिर रही थीं, तब अपने अनूठे विकास मॉडल के जरिए छत्तीसगढ़ दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। दरअसल ये महज एक आकलन की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर उन आंकड़ों की है जो चौंकाती जरूर है, लेकिन ये भी बताती है कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी का रास्ता सिर्फ अधोसंरचना के पैमाने पर ढले शहरों की ओर ही नहीं, बल्कि सभ्यता के अस्तित्व से जुड़े समृद्ध गांव से होकर गुजरता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांव के विकास से ही देश की उन्नति हो सकती है। गांधी जी का बताया ये रास्ता ही था जिस पर चलकर छत्तीसगढ़ ने दुनिया के सामने एक मिसाल बनने तक का सफर तय किया। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संकट के दौरान भूपेश सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना कैसे किसानों की समृद्धि की वजह बनी है। दरअसल 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का वादा पूरा करने में केंद्र की नीति आड़े आई तो भूपेश सरकार ने न्याय योजना के जरिए अंतर की राशि किसानों को दिए जाने का रास्ता चुना। ये योजना किसानों की बेहतरी का जरिया बनी। कोरोना से मुकाबला करते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों ने 21 मई से अब तक 3000 नए ट्रैक्टर खरीदे। ये योजना ही है जिसने राज्य की GDP में 7% की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि राजीव गांधी किसान योजना के तहत जारी किए गए फंड से किसानों की क्रय क्षमता बढ़ी है। ये अन्य राज्यों और सरकारों के लिए एक नजीर है। इससे कोरोना काल में जहां देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों ने कोरोना के संकट काल में भी कृषि उपकरणों और अन्य सामानों में निवेश बढ़ाया है। सीएम भूपेश ने और भी कई बड़ी बातें बताई। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके पहले किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि भुगतान करने का फैसला किया। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश के 18.38 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त ऑनलाइन जारी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों से 2019 में की गई धान खरीदी के एवज में 5,750 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि दी जानी है। इस राशि को कुल मिलाकर 4 किस्तों में दिया जाना है।
छत्तीसगढ़ के किसान सिर्फ न्याय योजना के तहत ही लाभ नहीं कमा रहे। गोबर बेचकर भी किसान 12,000 रुपए तक की कमाई कर सकता है और ऐसा राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत मुमकिन हो पाया है। यह रकम केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम से दोगुनी है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत भूपेश सरकार गाय के गोबर को पशुपालक से 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है और इसके इस्तेमाल से वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि गोधन न्याय योजना से स्थानीय लोगों और किसानों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा, पशुओं की भी अच्छी देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। ये किसानों और पशुपालकों दोनों के लिए बेहतर योजना साबित होगी। हमने चुनाव के समय वादा किया था कि 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीद करेंगे और उसे निभाए भी, जिसमें 12 लाख संग्राहकों को 370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मैं समझता हूं कि हमारी सबसे बड़ी योजना के रूप में गोधन न्याय योजना होगी, इसकी सफलता भी परिलक्षित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी न्याय योजना, गोबर खरीदी योजना ही राज्य की समृद्धि का कारण बनी हो। किसानों की कर्ज माफी, नरवा गरबा घुरबा बाड़ी, गरीबों को 35 किलो चावल, भूमिहीनों को पट्टा, छोटे भूखंडों से रजिस्ट्री माफ, आदिवासियों की जमीन वापसी, 400 यूनिट बिजली माफ जैसी योजनाओं ने यह बताया है कि कैसे जनता के हितों को साधते हुए भी सरकारें बखूबी चलाई जा सकती हैं। योजनाएं ही नहीं, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, पहचान, परंपरा, भाषा की जड़ों को समृद्ध करते हुए राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने यह भी साबित किया है कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के इस परिश्रम में सिर्फ सरकार ही नहीं है बल्कि इसे बनाने वाली जनता भी शामिल है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। भूपेश में दम हर मोर्चे पर नंबर वन, इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ भूपेश सरकार में मंत्री अमरजीत भगत जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रायपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर जी जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में और इस वक्त भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के एस साइनी जी। साइनी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ठाकुर साहब आप ही का रुख करूंगी कि भूपेश सरकार की तमाम योजनाओं को किस तरह से देखते हैं आप और ये जो अभी 1.5 साल में ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, 1.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने गांव और खासकर किसानों के हित में काफी अच्छे कदम उठाए हैं, जिनकी मांग मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के किसान वर्षों से करते आ रहे थे। जैसे धान की समर्थन मूल्य, धान की बोनस को लेकर किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी पिछले 15 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जो ही भूपेश बघेल की सरकार आई सत्ता में तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की इस वर्षों पुरानी मांग को न केवल पूरा किया बल्कि एक ऐसी सौगात दी जो आम तौर पे जिससे भरोसा नहीं होता, क्योंकि 2500 रुपए क्विंटल धान की खरीदी करना ये चुनावी नारा ही ज्यादा प्रतीत हो रहा था, खासकर उस दौर में जब 2013 के चुनाव में किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम आपके धान की खरीदी 2200-2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करेंगे, और जो उन्होंने कभी नहीं किया। तो भूपेश बघेल की सरकार की पहली सफलता तो पहले साल के कार्यकाल में देखने को मिल गई, पहले यानी पहली कार्रवाई में देखने को मिल गई, फिर कर्ज माफी का मुद्दा, फिर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना को लाया जाना, और उसके बाद अब हाल ही में गोबर की खरीदी का करना। तो गोधन न्याय योजना की बात करें चाहे किसान न्याय योजना की बात करें, इन सब से यह बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है कि यह सरकार किसानों के लिए तो संवेदनशील है और किसानों की भलाई के लिए सतत प्रयासरत है, और ये हर मोड़ पर देखने को मिल रहा है। जब पूरा प्रदेश और पूरा देश, मैं कहूंगा, कोरोना काल की आर्थिक आपदा से जूझ रहा था, उस दौर में किसानों को किसान न्याय योजना के तहत इनको बोनस की पहली राशि मिली 1500 करोड़ रुपए की, और अभी जब फसल के लिए रासायनिक खाद की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी, फसल खेतों में खड़ी है और अब पैसे की जरूरत थी, तो इस दौर में पुनः किसानों को पैसा कल मिला है। तो यह निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि भूपेश बघेल सरकार की यह सफलता है जिसके तहत वो किसानों के लिए बराबर अपनी संवेदनशीलता को लगातार प्रकट कर रहे हैं, और मुझे लगता है काफी स्वागत योग्य है कि पहले 2 साल में इस सरकार के लक्षण ये तो दिख रहे हैं कि किसानों के लिए
एक काम करेगी ऐसा प्रतीत होता है। आगे कह पाना मुश्किल है 3 साल में क्या होगा, लेकिन जिस ढंग से सरकार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, खासकर मैं कहूंगा केंद्र सरकार ने धान खरीदी कर एक तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, उसके बावजूद इन्होंने धान की खरीदी अपने वायदे के हिसाब से करके दिखाया, वो अपने आप में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और प्रशंसनीय है। बिल्कुल, हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं अमरजीत भगत जी, ने भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर लिया है। भगत साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। भगत जी, एक संवेदनशील मुखिया, एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील कैबिनेट को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से नई नई ऊंचाइयों के आयाम आप लोग छू रहे हैं, उसको उसके पीछे किस तरह से कड़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहचान किसान वाले प्रदेश के रूप में है, खेती किसानी करने वाले प्रदेश के रूप में है, इसको धान का कटोरा भी बोलते हैं। और जिस प्रकार से गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, और जब गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार की बागडोर संभालने के बाद सबसे पहले अगर कुछ कोई कदम उठाया तो किसानों के लिए उठाया, क्योंकि गांधी जी से लोगों ने प्रश्न किया था कि बापू जब आप नहीं रहेंगे, अभी तो आप राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, देश आजाद हो जाएगा और सरकारें बन जाएगी, आप हैं तब तक मार्गदर्शन हो रहा है, आप नहीं रहेंगे तो इस देश का मार्गदर्शन कौन करेगा, कैसे होगा? ये प्रश्न जब बापू से लोगों ने पूछा था तो बापू ने एक बात कही थी लोगों से कि जब ऐसा लगे कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा कदम उठाऊं जिससे लोक हित होगा, लोगों का हित सधेगा, अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा और जो मैं काम करूं वो सही दिशा में जाएगा, तो गांधी जी ने एक मंत्र दिया था कि कुछ निर्णय करने से पहले आंख बंद कर लेना और विचार करना कि वो गरीब व्यक्ति जो सबसे लाचार है, सबसे कमजोर है, आपके निर्णय से कितना वो प्रभावित होगा और कितना लाभान्वित होगा। यदि अगर उस योजना से उनको लाभ मिलती है तो निश्चित रूप से आपका योजना सही और सफल है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद जो निर्णय लिया, बापू के उसी मंत्र में उन्होंने अपना रास्ता चुना और पहला दस्तखत अगर किसी ने किसी के लिए किया तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। जी बिल्कुल। 2500 रुपया में धान खरीदने के लिए किया, कर्ज माफी के लिए किया और तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने करके दिखाया, 2500 रुपया के बराबर लोगों को भुगतान किया और इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जब केंद्र में अपनी सरकार ना होते हुए भी इस छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके लोगों को मदद किया और इसकी शुरुआत भी उन्होंने राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पे की, 21 मई को की, और 5,700 करोड़ रुपए किसानों के लिए देने का बात उन्होंने न्याय योजना में कहा और प्रथम किस्त जारी की, और कहीं के दिन 20 अगस्त को राजीव जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने दूसरा किस्त जारी किया। कई मामले में माननीय भूपेश बघेल जी का जो कदम है वो बहुत कल्याणकारी है, बहुत क्रांतिकारी है और जो ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, उनका पृष्ठभूमि खेती किसानी का होने के नाते जो उन्होंने कृषकों के लिए किया है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए किया है, वो बहुत सराहनीय पहल है। जहाँ पर राजीव गांधी न्याय योजना लागू किया वहीं पर गोधन न्याय योजना के तहत भी लोगों को लाभान्वित करने के लिए यहाँ के जो मवेशी पालक हैं, जो मवेशी पालने वाले लोग हैं उनके लिए
उन्होंने योजना चलाई, उनको प्रमोट करने का काम किया। इस प्रदेश में जहां सुदूर और जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो वन लघु वन उपज एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनका आर्थिक रूप से एक सहारा लघु वन उपज होता है। पिछले सरकार ने जहां पर 2400 रुपया मानक बोरा लोगों को तेंदुपत्ता का भुगतान करती थी, उसको इस सरकार में आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने 24 के जगह में 4000 रुपया मानक बोरा तेंदुपत्ता को खरीदना शुरू किया। और जहां पर जो लघु वनोपज पिछली सरकार ने जो खरीदी कर रही थी, केवल 8 प्रजातियों की लघु वनोपज की खरीदी कर रही थी, भूपेश बघेल जी ने 22 प्रकार के प्रजातियों का लघु वनोपज का खरीदना शुरू किया। तो निश्चित रूप से वनों में जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो वनवासी लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से एक समृद्धि का मार्ग मिला और आर्थिक रूप से लोग समृद्ध हो रहे हैं। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो कोरोना संकट काल में भी जहां पूरा विश्व ग्रसित था और उस दौरान सभी देश और प्रदेश सभी सरकारें एडवाइजरी जारी केवल इसलिए इस प्रयास में थे कि किस प्रकार से कोरोना पे हम नियंत्रण पाएंगे। उस समय भी छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल जी ने लोगों को एडवाइजरी जारी करके जहां पर नियंत्रित किया, वहीं पर उनके खाद्यान्न के लिए भी पुख्ता इंतजाम। बिल्कुल अमर जी, जी मेरा सवाल भी आपसे यही था, मैं सवाल भी आपसे इसी रिगार्डिंग पूछना चाह रही थी कि कोरोना से मुकाबला आप लोगों ने बखूबी किया और अभी भी आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों ने लोगों के खाद्यान्न की व्यवस्था की? क्योंकि हमने कई रिपोर्ट में ऐसे देखा कि जो राशन लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे, जिनको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती थी, आप लोगों ने उनको सूखा राशन तक पहुंचाया है। तो ये कैसे पूरी जो स्टडी आप लोगों ने की और इसको आप लोगों ने कैसे सफलता पूर्वक इसको किया है, क्योंकि अन्य राज्य दूर दूर तक इसको कर भी नहीं पाए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मैंने कहा कि जो भी कदम उठाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो लोगों को सामने रख करके और उनको प्राथमिकता में रख करके कदम उठाया है, योजना बनाया है। जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में 65 लाख लोग पीडीएस से राशन कार्ड के माध्यम से जुड़े हैं, 65 लाख कार्ड के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो क्षेत्र है जो पिछली सरकार में एनीमिया और विटामिन और बहुत सारी चीज की कमी की वजह से बीमारियों से जूझ रहे थे, उन क्षेत्रों में पोषण आहार का इन्होंने एक योजना बनाया और उन लोगों तक उपलब्ध कराने का काम किया। बच्चे हो, महिलाएं हो, आदिवासी अंचल के उन क्षेत्रों में जहां स्कूल में जो स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड के हेल्थ, जिनका मानक से कम हेल्थ रिकॉर्ड किया गया था, उन क्षेत्रों के लिए मध्याह्न भोजन के साथ ही चने का वितरण, गुड़ का वितरण, राशन का वितरण, इन तमाम कार्यक्रमों को उन्होंने बना करके संचालित किया। आज निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आज 13% की उसमें लोगों की जो एक रिकॉर्ड की गई है, उसमें बिलो स्टैंडर्ड का जो रिकॉर्ड था उसमें 13% की कमी आई है। तो कहीं ना कहीं इसका योजना का लाभ भी इस प्रदेश में, जहाँ पर जो दूसरे प्रदेश में लोग फंसे हुए थे उनको लाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया, क्वारंटाइन के माध्यम से उन लोगों को रोकने का, उनके खाद्यान्न का व्यवस्था किया गया। 500 से ऊपर लगभग यहाँ पर उनके लिए पका हुआ भोजन के लिए उनके लिए सेंटर चलाया गया, सूखा भोजन उपलब्ध कराया गया और उन क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों के लिए योग्यता के अनुसार उनको जॉब भी देने का काम नरेगा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से किया गया। जहां पर लोग रुके हुए थे, स्वास्थ्य की उनकी परीक्षा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मॉनिटरिंग किया जा रहा था कि इनको कैसे
रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उनका जॉब कार्ड बन रहा था, उनको जॉब उपलब्ध कराया गया, गांव में हो गए तो खाली कोई नहीं बैठा। अगर सभी लोग के हाथ में काम की व्यवस्था थी, इस बात से उन लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि थी कि इस भीषण परिस्थिति में सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार के मुखिया हमारे साथ खड़े हैं, और पका भोजन सूखा भोजन उनके लिए समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम थी जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने करके दिखाया, हमारे मुखिया ने करके दिखाया। और हम कह सकते हैं कि जब इस देश में कोरोना के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, उद्योग बंद हुए, उस समय भी छत्तीसगढ़ ने अपने बेस्ट मॉडल बना करके एक उसका आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया, जिसका नतीजा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी इजाफा हुआ, यहाँ की बाजारों में रौनक आया, जहां पर सरकार बनने के तुरंत बाद 10,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया गया था, वही 1,000 करोड़ का धान का खरीदी किया गया। ये लगातार जो पैसे का आवक जारी था एक 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 कार्यक्रम के तहत किसानों के पॉकेट में पैसा डालने का काम सरकार कर रही थी, और उस माध्यम से पैसा बाजार में आ रहा था, बाजार में रौनक बना हुआ था और आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा था, जिससे यहाँ मंदी की असर उतना नहीं हो पाई और बाकी स्टेटों से हमारा छत्तीसगढ़ महफूज रहा। आज हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भारत का जो रिजर्व बैंक है वो हमारे आर्थिक गतिविधियों के संचालन का रिजर्व बैंक कह रहा है अमरजीत जी, बल्कि जिस तरह की जो उपलब्धियां भूपेश सरकार की जनता के साथ साथ देश और विदेश से देख रहा है, विदेशों में भी तारीफ हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रदीप शर्मा जी, आदिवासियों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों से वापस ले ली गई, उनसे वापस करवाई गई, उससे कितने लोगों को फायदा हुआ है और आखिर ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे आदिवासियों से उनकी जमीन लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी गई होगी, ऐसे कई राज्य हैं, लेकिन कोई दूसरा राज्य नहीं कर पाया और ये सिर्फ करके दिखाया भूपेश सरकार ने, कैसे संभव हुआ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये पूरे देश की एक मिसाल है जहां पर पहली बार किसी सरकार ने उन उद्योगपतियों से जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन ली थी और ये कहा था कि उनके जीवन में एक निश्चित परिवर्तन आर्थिक गतिविधियों से आएगा, और ऐसा करने में वो असफल रहे, तो उन्हें एक नोटिस देने के बाद ये सारी की सारी जमीन उन आदिवासियों को वापस कर दी गई जिनसे ली गई थी, और वो भी किसी छोटे उद्योगपति से नहीं, एक टाटा जैसे बड़े उद्योगपति ने जिसने ये जमीन ली थी आदिवासियों से लोहांडीगुड़ा में, उन्हें वापस कर दिया गया। देखिए, लड़ाई सिंगूर में भी हुई थी, लेकिन आदिवासियों की जमीन को वापस तुरंत करने का काम भूपेश जी ने ही किया। ये इच्छा शक्ति को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि आप किसी भी आदमी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, और अन्याय नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन न्याय भी करना जरूरी है। और उस न्याय के सिलसिले में आते हुए हम लोग राजीव गांधी न्याय योजना, उसके बाद गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये न्याय की एक परंपरा चली आ रही है श्रृंखलाबद्ध ढंग से। जब आप प्रकृति को पूरे थ्री डायमेंशनल व्यू में देखते हैं तो आपको ठीक से समझ आ जाता है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में न्याय नहीं कर सकते। इसलिए न केवल एक तरफ किसान को 2500 रुपए का रेट दिया गया, साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया कि कैसे उसकी जमीन की उर्वरकता बढ़े, और न बढ़े तो कम से कम बनी रहे, जो लगातार कम होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सॉयल के अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत चिंताजनक ढंग से कम हो रहा है। ये जो चिंता थी हमारी सबकी थी, सारे कृषि वैज्ञानिकों की थी, कृषकों की थी, कृषि में काम करने वाले एक्टिविस्ट कि यदि हमारे जमीन में वापस गोबर खाद जो कि सबसे बड़ा सोर्स एक्टिव कार्बन का वो वापस नहीं गया तो हमारी जमीन भी पंजाब की तरह धीरे धीरे कच्छ की तरह धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। और सैलिनिटी सॉइल में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी,
उसकी वजह से खरपतवार बढ़ते जा रहे थे। और हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा स्रोत था, वो स्रोत हमारा अपना जानवर था। देखिए छत्तीसगढ़ में किसी समय में जितने यहाँ के नागरिक थे लगभग उतने इतने यहाँ जानवर थे, अभी भी आधे हैं। 1,30,00,000 2.5 करोड़ से पॉपुलेशन में लगभग आधे के बराबर है, जिसमें शहरों का पॉपुलेशन आप निकाल रहे हैं, जी। है ना? तो ये जो जानवर थे हमारे यहाँ पर कभी दूध के लिए नहीं पाले गए, हमारे यहाँ पर ये जानवर थे, हम अपने कोठा में गिनते नहीं थे कितनी गाय है कितने बैल है, सब है अपने खेत का पैरा खा रहे हैं, तालाब का पानी पी रहे हैं और बदले में हमको बहुत सुंदर खाद दे रहे हैं जो हमारे खेतों में जाता है उसको बदल दे। और ये जो है ये परंपरा धीरे धीरे टूटने लगी थी, जिसके टूटने की वजह से क्या हुआ था कि खेती की लागत बढ़ने लगी थी। तो एक तरफ खेती की लागत बढ़ती जा रही थी तो 2500 देने से भी वो आज नहीं तो कल खेती महंगी होने वाली थी, क्योंकि आपको ज्यादा खाद चाहिए हर साल, ज्यादा पेस्टिसाइड चाहिए हर साल। अब इसको दूर करने के लिए जरूरी है कि हम धरती के साथ न्याय करें, जरूरी था कि हम अपने उन जानवरों के साथ न्याय करें जो वर्षों तक हमारे जीवन को शुद्ध बना रहे हैं और हमारे खेतों को उर्वर बनाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी एक काम करते हैं कि गोबर को खरीद लेते हैं, कम से कम जो किसान 2-3 गाय रखा हुआ है और उस गाय का बहुत कम दूध होता है, 1-2 पाव दूध होता है, और वो गाय के लिए बहुत मुश्किल में है कि कैसे उसको पाले, तो कम से कम एक काम करते हैं कि उसके गोबर को खरीद लेते हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये खेत में जो खाद है उस गोबर खाद को हम वापस लौटा देंगे। तो न केवल खाद खेत में लौट रहा है बल्कि इसका काम करने वाले उन गायों का एक सम्मानजनक उनके लिए एक पैसा मिल रहा है। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, कई लोग कहते हैं कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ कि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने अभी आए हैं बहुत अद्भुत है। हमें अभी 1 महीना हुआ है, 20 तारीख को हरेली के दिन शुरू हुआ था, हम लगभग 4,00,000 क्विंटल प्रदेश में खरीद चुके हैं, 6 करोड़ से ज्यादा रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसमें 70% वो किसान है जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे धान की समितियों में नहीं है, यानी ये मार्जिनल छोटे लैंडलेस किसान है। तो मार्जिनल छोटे लैंडलेस किसान जिनके पास 1-2-3 गाय है, जिस एक गाय दिन भर में 6 किलो गोबर भी देती है रात भर में, तो उसके पास यदि 20 किलो गोबर भी हो जाता है 4 गाय से, तो रोज 40 रुपए उसकी जेब में आप दे रहे हैं जो कि उसके लिए बहुत है गांव के लिए, है ना? तो इस तरह से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उस आदमी को जिस अभी तक लग रहा था कि मेरे ये अनुपयोगी हो रहे हैं, गौ संपदा से मैं क्या करूँ। दूसरी एक बहुत बड़ी फायदा हुआ है, गोबर के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप खड़ी फसल में उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, एक बार वर्मी कंपोस्ट बन जाने के बाद जो बिल्कुल चाय पत्ती के पीले जैसा खाद होता है, खड़ी फसल में उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो इससे जो आपकी यूरिया का खपत, पोटाश का खपत, ये भी लगातार कम होगा। और जब जब आप जैविक खाद डालेंगे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके कम लगेंगे, आपको पेस्टिसाइड कम लगेगा और आपकी उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी और गुणवत्ता फसल की बढ़ेगी और धीरे धीरे ये स्टेट ऑर्गेनिक स्टेट की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जी मेरा सवाल भी यही था कि जब भी अधोसंरचना की बात आती है तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधोसंरचना में सबसे पहली प्राथमिकता जो अन्य सरकारों की भी हमने देखी है और जो स्ट्रैटेजी देखी है उसमें शहरों को उसमें तवज्जो दी जाती है, लेकिन भूपेश सरकार एक ऐसी पहली सरकार है जिसने गांवों का ख्याल रखा, गरीबों का ख्याल रखा, किसानों का ख्याल रखा, नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी योजना से किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा किसानों के अलावा ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला, और वहीं गौधन योजना की भी हम बात कर रहे हैं तो आपने अभी जिक्र किया कि 70% किसान जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जिनको सीधे फायदा मिल रहा है, आगे कैसे आप लोग इसको ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे, इसको लेकर और क्या रूपरेखा? देखिए इससे पहले की जो सरकार थी ना वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब फ्लाईओवर की सरकार थी, वो हाईवे की सरकार थी,
एक हाईवे एक फ्लाईओवर किसी गांव से गुजरता है तो वो गांव की श्रम शक्ति को असंगठित श्रमिक को तो शहर लाने की का इंतजाम करता है तो शहर पर उत्पादन नहीं लाते हैं। वहां से लोग मजदूर साइकिल चला चला के गांव में शहर में आते हैं, दिन भर मजदूरों की तरह वो शहर को देते हैं और वापस चले जाते हैं थके हारे निचुड़े हुए नागरिक की तरह। ये सरकार बिल्कुल ऐसी सरकार नहीं है। सरकार ने कहा कि हमको गांव से असंगठित श्रमिक को नहीं, असंगठित श्रम को उत्पादन में बदल के शहर में भेजना। सबसे पहले गांव में आपको जानकार शहर हुआ एक वर्ष में 2400 गौठान बने। एक बड़ी संरचना है गौठान, लगभग 5 एकड़ की भूमि जिसमें 3 एकड़ में जानवर रहते हैं, 1 एकड़ में हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, रोजी रोजगार ठहर है वो। वहाँ पर महिलाएं आती हैं, वहाँ पर वो कहीं गोबर के गमले बना रही है, बीए बना रही है, फर्टिलाइजर बना रही है, पेस्टिसाइड बना रही है, और तो और मैंने देखा कि वो पेन वगैरह भी, राखी वगैरह भी बना रही है। एक को उठाने में गया था तो पता चला उन लोगों ने पिछले दिवाली में 5 लाख का दिया बेचा है। तो वो सब अपने घर का काम करती है, उसके बाद आती है आराम से बैठती है, उनकी बातचीत भी होती रहती है, बनाती है 3-4 घंटे में, एक अच्छा पैसा कमा के वापस चली जाती है। बिल्कुल, ये जो साबुन लोग बना रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं एफएमसीजी में उपयोग होने वाली, धीरे 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 यदि वो गांव में बनने लगे और आसपास के व्यापारियों से सरकार बात कर रही है कि आप हमें बताइए जो चीजें चाइना से नहीं आती हम नहीं आ सकेंगे, या जो चीजें बहुत सारी नहीं आ रही गौठानों में कैसे उसको बनाया जा सकता है, हम बना के आपको देने वाले हैं। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये गांव के अंदर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के भीतर हो रही है जो गौठान के अंदर है। गौठान सिर्फ गाय के लिए नहीं है, श्रम के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है। आप ये सोचिए 20,000 गौठानों में यदि 20,000 एकड़ का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना तो मुझे नहीं लगता कि देश भर में किसी के पास गांव में इतना बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसा अधोसंरचना होगा। भूल जाइए छत्तीसगढ़ सरकार को, दूसरी सरकारों को, मुझे तो महाराष्ट्र जैसे गुजरात जैसे डेवलप्ड एरिया में भी नहीं समझ में आ रहा है। और शायद यही वजह है प्रदीप जी कि भूपेश में दम है और हर मोर्चे पर यह सरकार नंबर वन है। लौटूंगी जी आपके पास अमरजीत जी से, मैं कमेंट ले लेती हूँ कि अमरजीत जी इस कोरोना काल में जहाँ पे 2.25 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए वहाँ पे भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया, जहाँ पे बिजली का करंट लग रहा है वहाँ पे 400 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, कैसे संभव कर पा रहे हैं बहुत संक्षेप में? देखिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बिजली संकल्प है उसी का परिणाम है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने ये सब करके दिखाया है। आज पूरा देश छत्तीसगढ़ के ऊपर ताक रहा है कि कौन सा फार्मूला अपना करके इस संक्रमण काल में भी, इस जो मंदी के समय भी छत्तीसगढ़ महफूज रहा। तो ये तो एक उनके लिए एक जिज्ञासा का विषय बन गया है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में आपने जो कहा कि भूपेश में है दम तभी तो है देश में नंबर वन, ये अपने आप में अपने जो कहा है वो बात तो अपने आप में साबित होता है और लोगों को करके उन्होंने दिखाया है। संजय जी बहुत संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये तो कहना ही होगा कि निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के दर्द को समझकर एक अच्छा कदम तो उठाया, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य 25 रुपए करके देने की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, तो यह तो निश्चित रूप से इस सरकार ने एक अच्छा कदम, जो पहले जी सरकारें कहा करती थी गांव गरीब किसान की सरकार, उसको इन्होंने चरितार्थ किया है। इसमें दो मत नहीं है, लेकिन एक चीज की बस मुझे थोड़ी सी आशंका होती है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का असहयोग वाला रवैया रहा पिछले वर्ष देखने को मिला, ये कहीं आगे चल के मुसीबत ना बन जाए, खासकर जब भूपेश बघेल सरकार ये घोषणा करती है कि हम सभी फसल लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ न्याय योजना के तहत राजीव गांधी न्याय योजना के पैसे देंगे, यह एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 1.25 करोड़ में खेती होती है, मतलब 12,500 करोड़ रुपए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बांटना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कठिन लक्ष्य दिखाई देता है। तो ये तो आने वाले समय में साबित हो पाएगा
कि यह सरकार सिर्फ धान उत्पादक किसानों के लिए हित की बात कर रही है या शेष फसलें लगाने वाले किसानों को भी वैसे ही लाभ दे पाती है। तो ये समय बताएगा आने वाले वक्त में कि किस तरह से 12,500 करोड़ रुपए का वितरण किसानों को ये सरकार कर पाती है। लेकिन निश्चित रूप से कहना होगा कि इस सरकार ने अब तक जो वादा किया था उसे पूरा किया है, यह जरूर दिखाई देता है। और शायद इसलिए भूपेश में दम है और पूरे देश में नंबर वन है। बहुत शुक्रिया संकेत जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अमरजीत भगत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। योजनाएं ही नहीं छत्तीसगढ़ की अस्मिता, पहचान, परंपरा, भाषा की जड़ों को समृद्ध करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने यह भी साबित किया है कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की इस परिश्रम में सिर्फ सरकार ही नहीं है बल्कि इसे बनाने वाली जनता भी शामिल है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद चलिए अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां सिंधिया